लास्ट पीस बचा हुआ था यार। दिस इज़ द बेस्ट ब्लैक जामुन इन द वर्ल्ड। इतना टेस्टी है ना कि मतलब इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता। तू तो डाइटिंग शुरू करने वाला था ना, यू सेड कि तू इस तरह के स्वीट्स खाना बंद कर देगा, यू विल स्टार्ट स्ट्रिक्ट डाइट और समथिंग, क्या हुआ उसका? करने वाला हूँ, कल से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं ये कभी नहीं खाता, दिस इज़ फुल ऑफ शुगर ब्रो। जब से मैंने डिसाइड किया कि इस तरह का खाना नहीं खाना है, मैंने छुआ भी नहीं है। टेल यू व्हाट, बहुत इजी होता है इस तरह के प्रोमिसेस करना कि मैं कल से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूँगा, मैं परसों से वर्कआउट करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि उस वक्त तुमको करना नहीं पड़ता ना। द थिंग इज यू आर ट्राइंग टू डिसीव योरसेल्फ, दैट्स ऑल यू आर डूइंग, बिकॉज वो मोमेंट्स काउंट नहीं होते। यू नो व्हाई? तुमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, यू गेट इंस्पायर्ड, मे बी तुमने कोई बुक पढ़ लिया और फिर तुमको लगता है कि ओके आई विल स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, राइट? और फिर क्या होता है, जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, सारा इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाता है। स्वामी विवेकानंद का एक कोट है कि 1 ounce ऑफ प्रैक्टिस इज़ वर्थ 1000 pounds ऑफ थ्योरी। यू नो व्हाट, दिस इज़ योर प्रैक्टिस टाइम। इफ़ यू विन दिस मोमेंट यू आर गोइंग टू विन द होल आवर, इफ़ यू विन द आवर यू आर गोइंग टू विन द होल डे, सब्सिक्वेंटली यू आर गोइंग टू विन द होल वीक, मंथ्स, ईयर्स, एवरीथिंग, एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। यू हैव टू मेक अ डिसीजन राइट नाउ कि यू वॉन्ट टू ईट दिस ब्लैक जामुन और यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। यू डिसाइड। आई नो, आई गॉट इट, आई गॉट इट। थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी रियलाइज इट। मैं ना आज से ही ये सब खाना बंद कर देता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। यू नो आई विल गो गेट सम सैलड। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। हाँ, व्हाट? यू सेड कि दिस इज द बेस्ट ब्लैक जामुन इन द वर्ल्ड, राइट? आई एग्री विद यू। आई कैन बिलीव यू फॉल फॉर दैट। गो गो गो, हैव सम सैलेड।